छोटो बुड्ढे लग रही तुम्हारे अबे भाग के क्यों आ रहा I was dead. तो गाइस सारे आ चुके हैं यहाँ पे जो अपने टीम मेंबर थे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बजे हैं 8, तो व्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आज हमारा मैच। व्लॉग ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे हैं क्योंकि गाइस अभी मेरा घुटना सही तरीके से ठीक नहीं हुआ है। बैटिंग तो कर पा रहा हूँ पर बॉलिंग में पूरा एफर्ट नहीं लग पा रहा है। तो गाइस आज है हमारा मैच हरिद्वार, तो अभी मैं रूम पर ही था तो अंकित लेने आ रहा है, 5 मिनट में आ जाएगा। तो आपको बता दूं लीग भी स्टार्ट होने वाली है अपनी, जो ओपन लीग है हरिद्वार की डिस्ट्रिक्ट लीग, तो उसके लिए ट्रायल मैच है आज, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी तो उसके लिए तैयारी भी करनी है, इसलिए अब ज़्यादा वो लोग आएंगे, आपको मैच भी देखने को मिलेंगे। और अभी आते आते एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिली, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे तो अपना पुराना टाइम याद आ गया जैसे हम जाते थे। पर अगर अभी आप स्कूल में हो तो भाई स्कूल जाया करो, बहुत अच्छे दिन होते हैं, फिर बाद में आप बहुत ज़्यादा मिस करोगे। तो गाइस ये आ गया, बात करते करते तो आज यहाँ पर ना इस पे आपको दिखेगा GoPro, यहाँ पे लगाऊंगा, सिर्फ व्यू देखना सामने वाला। तुम चलाओगे? हाँ तो गाइस हमारे टीम मेंबर मिल गए रास्ते में बीच में, तो दिखा दूं मैं आपको फोन है ये। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड और हमें 25-30 मिनट लगी होगी बस, बाकी देखते हैं कौन कौन मिलेगा हमें यहाँ पे। तो दूसरी टीम तो भाई वाइट किट पहनने खड़ी है हमारी, इसकी ये पता नहीं। ग्राउंड देखो यहाँ, पहले हम खेलते थे इतना घास वास नहीं था पर अब काफ़ी अच्छा बना दिया ना ग्राउंड, और विकेट के दर्शन भी अभी। चलो वाइट किट के बाद करा दूंगा, वाइट किट डालने के बाद। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। व्हाइट किट तो हमने चेंज कर लिया, बाकी क्या हुआ अभी थोड़ा विकेट गिला है तो आधा घंटा कम से कम लग जाएगा मैच शुरू होने में। हमारी टीम के सभी मेंबर आ गए, बस एक मनीष नहीं आया और बाकी सभी आ गए हैं। विकेट तो बहुत गिला है यार, एक आधा घंटा कम से कम, डेढ़ घंटा। तो गाइस विकेट देख के आप बता दो, घास भी आपने देख लिया है, थोड़ा सा इसमें मिक्स हो रहा है घास, 2-3 प्रकार के घास है, पर ये बता दो कि कितने रन बना सकते हो? हल्का सा गिला भी, एक घंटा लग जाएगा कि अगर आप इस पर बैटिंग करोगे स्टार्टिंग में तो कितने रन बना रहे हो देख लेंगे, उसका उसके बाद आपका आइडिया कितना है उससे पता लग जाएगा, विकेट को देख के आपको आइडिया सही लगा या नहीं। कमेंट अभी कर देना वीडियो को पॉज करके, बताओ नाप तोल के। ओए चलो 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 चल मार दे, छोटो बुड्ढे लग रही तुम्हारे, अबे भाग के क्यों आ रहा बाबू? यहाँ आओ, चल यहाँ आओ बाबू, मार ये बाबू चला जाने जजी ने पूरा रोल उठा कर पेट पर भी हो इससे। तो गाइस टॉस होने जा रहा है, हमारी है प्लेइंग 11 वो मांग रहे हैं अंपायर, और अली जा रहा है टॉस करने। तो फिर बताता हूँ आपको कि हमारी बैटिंग है बॉलिंग, बस आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा। तो गाइस टॉस तो हो चुका है और हमारे कैप्टन ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, जो अली गए थे उन्हें पता ही नहीं चल रहा था टॉस के कैप्टन थे वैसे वो, पर तो गली क्रिकेट खेल रहा है, पर वहाँ तो जब वहाँ जाएंगे ना, वहाँ ज्यादातर हमारे 7-8 कैप्टन रहते हैं जब 11 में हम खेलते हैं। हाँ तो एक हमारे जो लीची भाई है वो नहीं आए, वो तो ऑलरेडी कैप्टन है, अगर कुछ भी एक आधे ओवर में चौका छक्का लग गया तो वो एकदम। तो गाइस रेडी हो चुके हैं और 40 ओवर्स का अपना मैच होगा, तो हर्षद 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा और अली अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है जो लाया था, देख लो गाइस आधा केला और दूध कौन सा है वो रोजा हटा दे। ठीक है भरो वाले पानी डालने का, 1 2 3 4 I was dead. ग्लव्स पे लगी है यार? नहीं हेलमेट पे लगी है।
यार क्या बात है यार क्या नाराज गर्मी अभी तो बहुत शुरू हुई बोल यार गाइस 13 ओवर में 40 रन के आसपास हो रहे हैं और विकेट एक ही हुआ है इनका हेलमेट बारी हो गया चाहिए अच्छा खासा डाल रहे हैं नौराज चाहिए हो गया हो गया अबे बहुत क्या है रुक जा डाल दो कैच गाइस देख लो ने पहली बॉल गाइस पहली बॉल में विकेट मिल गया पटरी और बॉल चौधरी विकेट भी तो दो ही हुए बैकअप सभा काल हट जाओ गाइस अभी भी एक और विकेट गिर गया तो अभी अभी हमारी टीम ऊपर है और रन ज्यादा नहीं हुए इनके 50 के करीब ही होंगे 48-50 के लौंडा एक और ले गया भाई बाहर ही चला जा तो गाइज मैं तो बाहर आ गया था दो ओवर पहले और मेरे आने के बाद भी दो विकेट उनके गिर गए हैं तो उनके ऐसे हो रहे होंगे 60 के करीब रन हो रहे होंगे और 7 विकेट हो गए हैं बाकी 2 विकेट तो मैंने लिए थे और मैंने कुछ एफर्ट लगा दिया वो छोटा बॉल मारा उसमें हल्का सा मुझे लगा फिर दोबारा प्रॉब्लम है घुटने में देख सकते हैं आप थोड़ा सूज रहा है ये तो अभी रेस्ट ही कर रहा हूँ बाकी बैटिंग आएगी तो देखते हैं कितने रन बना पाते हैं अभी खेल रहे हैं एक बैट्समैन खेल रहा है उसने भी 10 रन बना दिया एक छक्का चौका मार दिया दिव्यम तो गाइज अभी स्कोर आपको बता दूं मैं स्कोर हो रहा है 119 हो रहा है 7 विकेट पे यहाँ से दिख रहा होगा आपको और बस तो गाइज अब लास्ट विकेट बचा है और रन हो रहे हैं इनके 165 करीब हो रहे हैं और जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना एक शॉर्ट वीडियो विजय जी की ये बैठा फोन में बात कर रहा है फील्डिंग बस आया विकेट हो गया और इसके साथ ऑल आउट हो गया तो गाइज हमने 4 ओवर पहले उन्हें ऑल आउट कर दिया अंकित को आज कोई सफलता नहीं मिल पाई राजन ने 3 विकेट लिए 2 बाद में अली ने बॉलिंग नहीं करी बहुत तगड़ी फील्डिंग करी कमाल की सही बता रहा हूं इसके 3 विकेट कितने 3 विकेट एक विकेट और त्यागी विकेट एक विकेट मुझे भी दिखा दे पांडे जी तो गाइस इनिंग के बाद हम आ गए थे जूस पीने और साथ में ये दो जने आए हैं और कुछ खाने का भी प्रोग्राम है ये रहा अपना जूस तो गाइस जूस के बाद अब अपना खाना हो रहा है उसके बाद हम सीधा ग्राउंड चलते हैं शायद हमारी बैटिंग भी स्टार्ट होगी होगी 20 मिनट्स लेटर तो गाइस हम आ चुके हैं और हमारा एक विकेट गिर गया तो गाइस 25 रन हो गए एक विकेट हुआ है सोहित आउट हो गया 4 ओवर में तो गिरीश भाई और हर्ष खेल रहा है गाइस 9 ओवर हो गए हैं 9 ओवर में है 74 रन एक विकेट के नुकसान पे गिरीश भैया के 50 हो गए हैं
मुझे फोड़ दिया था। हाँ तुझे बड़ा मुंह साले। भैया आपके साथ काम है यार। सत्तर टीम के 85 प्लस है, 85 हो गए। वेट दे क्या हो गया मनीष, दूसरा भेज दो इसको, चोट लगी। जा नहीं नहीं जा जा भैया, चोट नहीं लगी मेरे। एक्टिंग कर रहा हूँ भैया। नहीं मैं सही हूँ। आजा दो, आ रहे क्या दो? खेलो अभी। डिफेंस कर दो सारी बॉल। नहीं डिफेंस क्या फायदा, ऐसे में रन रन भी तो बन दे। शॉट भैया बहुत तगड़ा, गुड शॉट। ऊपर से मार रहा था गाइस, आपने पूरा मजा ले लिया होगा बैटिंग का। और सिर्फ बचे हैं अब 17-18 रन बचे हैं, और अभी अमन चला गया और बासु बचा है। उसके बाद जो इनिंग आपने देखी है वो सामने से ग्रीस भाई खेल रहे थे, इन्होंने कितने 97 रन बने, और हर्षता जिसके सर पे कैमरा था, और अली का एक छक्का भी सामने से देख लिया होगा। तो मैच तो खत्म हो गया मानसू, और उन्होंने विकेट हमारे 3-4 गिर गए लास्ट में। मानसू भी आउट हो गया था, ये भी हो गया था, तो हम वैसे एक तरफा मैच जीत गए। तो अभी यहाँ से जो अपना बॉलर से वो सब स्ट्रेचिंग करके और जो बैट्समैन है स्ट्रेचिंग करके निकलते हैं, और यहाँ पे साइड में गंगा जी का एक घाट है गाइस। यहाँ गंगा जी जहाँ से निकलते तो वहाँ नहा चलेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही है। घाट पे हम आ गए हैं, सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था जहाँ मैच खेल रहे थे, और ये देखो आप नजारे, गंगा स्नान हो जाएगा आज। जय गंगे माता। सारे आ चुके हैं यहाँ पे जो अपने टीम मेंबर थे। अंकित तो गाइस हमारा सबका नाना हो गया है, अब सब चेंज कर रहे हैं, बाकी त्यागी लेट आया था। 20 minutes later तो गाइस रात को तो रूम पे आ गया था, तो अभी मॉर्निंग हो रही है, अभी मैंने देखा कि एंडिंग तो की नहीं, तो अभी एंड करते हैं व्लॉग का। और अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक कर देना, और ऐसे ही व्लॉग आते रहेंगे, और अच्छे अच्छे मैच भी आने वाले हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका इंस्टाग्राम पे भी है, सेम अकाउंट है क्रिकेट विशाल, वहाँ पे सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस। तो अभी क्या केस हो गया, अली टॉस करने जा रहा था, तो वहाँ अंपायर सब खड़े हैं, तो सिक्का दे दे, तो इसे वो याद आता ना वो गली क्रिकेट खेलने की, सिक्का लेके जाने की, अले अपने जूते से कर लिए।